मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी बचपन से व्रत और उपवास के बारे में सिखाया गया था, लेकिन मैंने कभी रखा नहीं था, मुझसे गलती हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, आपने जानबूझ के थोड़ा ना किया है, आपको भूख लग गई होगी, आप खा लीजिए, वैसे भी व्रत तो टूट गया है। नहीं, आप... नहीं, मैंने भले ही गलती से खा लिया था, लेकिन मन से मेरा व्रत अभी भी कायम है, ये व्रत पूरा करने के बाद ही मैं खाऊंगी। आप यहाँ खड़े खड़े गप्पे लड़ा रहे हो, पिछले दो दिन का हिसाब किधर है? ये लो, ये 20,000 रुपए हैं, ये केसर बाग के अकाउंट में डलवा देना। अरे मेरे 20,000 हाथ में गिर गए। सुमित जी के पैसे, तुझे लगा कि रुक्मिणी भाभी ने एक पल के लिए अपने पति का व्रत भूलकर अपने मुंह में चॉकलेट रख ली और उपवास तोड़ दिया, पर मने लागे छे कि वो अपना असली पत्नी धर्म तो अभी निभा रही है। अपने पति की कड़ी मेहनत की कमाई की रक्षा करते हुए उनका असली व्रत तो अभी पूरा हुआ। जो स्त्री अपने पति को सच में प्यार करती है, बस वही हद तक जा सकती है। रुक्मिणी, आई विश के इस वक्त मेरे पास कोई शीशा होता तो मैं दिखा देता कि तुम्हारी हालत एकदम कचरे वाली हो गई। मैंने तो बोला ही था। खैर कोई बात नहीं, साफ कर लेना। मैं वही कर रही थी जो एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए। मैं अपने पति की मेहनत की कमाई ऐसे ही नहीं जाने देती। खाना खा लीजिए और अपना व्रत खोल लीजिए। द्वारकाधीश हमेशा आपको खुश और स्वस्थ रखे, और आपके जो चेहरे की मुस्कान है ना, ये कभी ना बिखरे। ये क्या कर रहे हैं आप? जो व्रत रखता है उसकी भी आरती होनी चाहिए ना, यही नियम है, तो वही निभा रहा हूं। द्वारकाधीश आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपको दुनिया की सारी खुशी सारा प्यार मिले, आपके सारे सपने पूरे हो, बस यही दुआ मेरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।